नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मैट्रिक के परिणाम में छात्राओं के मुकाबले छात्रों का रहा सराहनीय प्रदर्शन। बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 66वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए आज से कड़े आवेदन। हाईकोर्ट ने बिहार में मुखिया को पद से हटाने के फैसले को किया रद्द। देश में कोरोना के मामलों ने बढ़ाया डर। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना संबंधी जानकारी अब आपको मिलेगी 24 घंटे। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कोरोना कोषांगों की बैठक के बाद बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम को शुरू किया गया है। इसके तहत ही सार्वजनिक स्थल पर अब कोरोना जांच की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत अब बिहार के सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। आयोजित बैठक में शहरी क्षेत्र में टेस्टिंग कार्य में तेजी लाने की जरूरत महसूस की गई है। इसके साथ ही आयुक्त ने ज्यादा संक्रमित मिलने पर क्षेत्र को चिन्हित कर रोस्टर बना विशेष कैंप लगाने के लिए कहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 900 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं और जांच काउंटर व टीम की संख्या बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। 66वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 66वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसके तहत अब बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध हो जाने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 है। वैसे उम्मीदवार जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है, वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन 5 जून 2021 से किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2020 को किया गया था। वहीं औरंगाबाद जिले के परीक्षा केंद्र संख्या 660 के कुल 850 उम्मीदवारों की पुनर्परीक्षा 14 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम 24 मार्च 2021 को घोषित किए गए थे। हाईकोर्ट ने बिहार में मुखिया को पद से हटाने के फैसले को किया रद्द। बिहार के मुखिया और उप मुखिया को पद से हटाने के पहले लोक प्रहरी की अनुशंसा जरूरी होगी। बगैर अनुशंसा के हटाना उन्हें गैर कानूनी होगा। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने अपना एक अहम फैसला जारी किया है, जिसके तहत पंचायती राज कानून का हवाला देते हुए पंचायती राज कानून में लोक प्रहरी की भूमिका होने के बावजूद आज तक इस संस्था का गठन नहीं किया गया है और आज भी पंचायतों में बगैर लोक प्रहरी की अनुशंसा के मुखिया पर कार्रवाई की जाती रही है। मूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने कौशल राय की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला जारी किया है। बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सोमवार की रात को बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल भूटान सीमा पर सिक्किम के पास जमीन के 10 किलोमीटर नीचे आए जलजले का असर पटना सहित बिहार के कई जिलों में देखा गया। खासकर सीमांचल के इलाकों में लोगों ने तेज झटके महसूस किए। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज व मधेपुरा में लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को फोन कर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार सचेत एवं सतर्क रहने की स्थिति और स्थिति पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीद को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। पंचायत चुनाव का सारा दाव पेच ईवीएम मशीन की खरीदारी पर अटका हुआ है। हालांकि ईवीएम को लेकर आज किसी अहम निर्णय के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीदारी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर रिट याचिका पर पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ आज सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सूबे में होने वाली पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी और चुनाव की तारीख का मामला भी अटका हुआ है। लॉकडाउन के डर से बिहार लौटने लगे हैं प्रवासी। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके कारण ही बिहार सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं अब दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग अब बिहार की तरफ कूच करने लगे हैं। बोरे में कपड़े, झोले में जरूरत के सारे सामान और चेहरे पर हताशा लिए देहरादून में मजदूरी करने वाले मदन राम पूरे परिवार के साथ बस स्टैंड पर नजर आए। उनके साथ ही मुजफ्फरपुर के ही लगभग 4 परिवार और बस स्टैंड पहुंचे थे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजधानी के मीठापुर बस स्टैंड में बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शाम होने के बावजूद कई लोग निजी वाहन बुक करते हुए घर को जाते दिख रहे हैं।
पूर्वी हवा के कारण बिहार वासियों को मिली राहत। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी का प्रभाव भी बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच बिहार में चल रही पूर्वी हवा के कारण बिहार वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पूरे सूबे में सतह पर और सतह के ऊपर पूर्वा का प्रवाह बढ़ने से नमी की मात्रा भी अब बढ़ने लगी है। इससे अधिकतर शहरों के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी आई है। साथ ही राजधानी पटना का पारा भी 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पूर्वा हवा की वजह से फिलहाल 2-3 दिनों तक तापमान में वृद्धि के आसार नहीं है। दोपहर में गर्मी की स्थिति रहेगी, लेकिन शुष्क हवाओं से लोगों को अब निजात मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो वहीं पिछले साल मानसून के बाद ही अब तक सूबे में बारिश बहुत कम हुई है। इस वजह से मखाना की खेती कर रहे किसानों की समस्या बढ़ गई है। मैट्रिक के परिणाम में छात्राओं के मुकाबले छात्रों का रहा सराहनीय प्रदर्शन। बिहार बोर्ड ने बीते दिन मैट्रिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद इस बार का परिणाम छात्रों के नाम रहा। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार मैट्रिक के परिणाम में छात्राओं के मुकाबले छात्रों का प्रदर्शन बेहद ही सराहनीय देखने को मिला है, जिसके तहत कुल 12,93,054 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से 6,76,518 छात्र और 6,16,536 छात्राएं शामिल थी। इसके साथ ही 3,60,655 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। वहीं प्रथम श्रेणी में 4,13,087 उत्तीर्ण हुए। इसके साथ ही द्वितीय श्रेणी में 5,615 और तृतीय श्रेणी में 3,78,980 परीक्षार्थियों को सफलता मिली है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे थॉमस जॉर्ज किंट्स जेम्सन की। थॉमस जॉर्ज किंट्स जेम्सन का जन्म आज ही के दिन 1908 को बिहार में हुआ था। थॉमस जॉर्ज किंट्स जेम्सन एक अंग्रेजी प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, जिन्होंने 1930 और 1931 में 3 प्रथम श्रेणी मैचों में हैम्पशायर का प्रतिनिधित्व किया था। हैम्पशायर के लिए खेलने के साथ साथ जेम्सन ने रॉयल एयरफोर्स और आर्मी के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैचों में रॉयल नेवी का भी प्रतिनिधित्व किया था। 18 जनवरी 1987 को ऑक्सफोर्डशायर के हेनले ऑन थेम्स में जेम्सन की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी मामले में विपक्ष के पक्ष को बताया पब्लिसिटी स्टंट। मधुबनी में हाल ही में एक ही घर में 5 भाइयों की जान ले ली गई, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को खूब घेरा भी किया। लेकिन हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के स्टैंड पर भी अपनी बात रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमने कम से कम 5 दफे बिहार के डीजीपी से बात कर ली है। क्राइम हुआ है तो कार्रवाई की जिम्मेवारी पुलिस की है। वहीं उन्होंने विपक्ष के बयान को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उनकी चुप्पी पर विपक्षी जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें इससे पब्लिसिटी मिलती है। मैट्रिक की परीक्षा में स्टेट टॉपर पूजा का है डॉक्टर बनने का सपना। अपनी कड़ी मेहनत से पूरे बिहार में टॉप करने वाली पूजा ने अपने साथ साथ अपने परिवार का मान बढ़ाने का काम किया है। इस क्रम में अब पूजा ने भी अपनी इस उपलब्धि पर अपना बयान जारी किया है। साथ ही मैट्रिक के बाद अपने आगे के सपने का भी जिक्र किया है, जिसके तहत पूजा ने बताया कि वो नीट की तैयारी कर डॉक्टर बनकर समाज की करना चाहती है। पूजा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता और गुरु को दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के माहौल में पूजा ने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करके ही इस मुकाम को हासिल किया है। हालांकि पूजा का कहना है कि उन्हें यकीन था कि वो टॉपर्स की लिस्ट में जरूर शामिल हो जाएंगी। देश में कोरोना के मामलों ने बढ़ाया दर। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 96,563 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 445 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 7.84 लाख पर पहुंच गई है। वहीं अब तक देश भर में 1.27 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.17 करोड़ ठीक हुए हैं और 1.65 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि देश भर में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 8,31,10,926 वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। बिहार की राजनीति में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हुई एंट्री। बिहार की राजनीति खींचतान में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की एंट्री हो गई है और इनकी एंट्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद करवाई है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने उन्हें खुद बिहार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तेजस्वी के ट्वीट को देखकर आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे। हाल ही में तेजस्वी यादव ने बिहार में किम जोंग की पुलिस के होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सीएम साहब, हमें लगा बिहार पुलिस किम जोंग के अधीन है, इसलिए आप क्यों खामखा
जिम्मेदारी लेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे, है ना। किम जोंग को क्रूर तानाशाह के रूप में जाना जाता है। दरअसल बीते दिन ही मधुबनी के बेनीपट्टी मामले में बिहार की मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बिहार में कहीं भी कोई क्राइम की घटना तो होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिसके बाद ही तेजस्वी का यह बयान सामने आया है। चेतेश्वर पुजारा ने ऋषभ पंत के इस शॉट को लेकर दी प्रतिक्रिया। महज दो दिनों के बाद भारत में आईपीएल का आयोजन होने वाला है। इस साल भारत में आयोजित होने वाले आईपीएल में युवा खिलाड़ी के साथ साथ टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि उन्हें इस टूर्नामेंट में T20 मैच 7 साल के बाद खेलने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि पुजारा को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने उनके बेस प्राइस 50 लाख में खरीदा है। आपको बता दें कि उन्होंने आखिरी बार साल 2014 में भाग लिया था। इस बार भी पुजारा खुद को साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ते देखे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने यह इस बात को भी कबूला है कि वे भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत की तरह रिवर्स स्कूप शॉट नहीं खेल सकते हैं। मिलिंद सोमन ने दी कोरोना को मात। मिलिंद सोमन ने अपने प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी दी है। इसके तहत उन्होंने बताया है कि उन्होंने कोरोना को मात दे दी है। उन्होंने इस दौरान अपनी पत्नी अंकिता के साथ ली गई एक तस्वीर को भी शेयर किया है। शेयर किए गए इस तस्वीर में मिलिंद काफी सुकून से अंकिता के कंधे पर सर रखे हुए आंख को बंद किए हुए नजर आ रहे हैं। इस बाबत मिलिंद ने लिखा कि क्वारंटीन का समय खत्म हुआ है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 14वां दिन है और आप सभी लगातार दुआओं और सकारात्मकता के लिए शुक्रिया है। मेरा मानना है कि बीमारी कोई भी हो, ठीक होने के लिए सकारात्मक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया अंकिता, जो इसके बारे में सुनते ही गुवाहाटी से आ गई। उन्होंने किसी एंजल की तरह मेरा ख्याल रखा, जबकि यह सुनिश्चित करना था कि वह हर समय सुरक्षित रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा देना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।